तो अभी मैं निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे हूँ। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से मेरी ये ट्रेन अभी 10 बजे के करीब यहाँ से निकलेगी और अभी 9:40 हुए हैं, तो 20-25 मिनट का समय अभी से चलने में। और ट्रेन बहुत खाली है, ट्रेन नंबर है 22656, यहाँ से तिरुवनंतपुरम के लिए जाती है जो पनवेल होते हुए जाएगी। तो पनवेल पे मैं उतरूँगा, वहाँ से ठाकुरवाड़ी विलेज और फिर एक और विलेज, उसके बाद ट्रैकिंग स्टार्ट होगी। तो मैं ये ट्रेन बहुत हाईली रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि अभी 20 मिनट समय है और ये जनरल बोगी भी इतनी खाली है यहाँ पे, मतलब सोच सकते हो कितना अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे हो सकता है। ये ट्रेन के लिए कोई रिजर्वेशन कराना मैं ज़रूरी नहीं समझता, आ सकते हो बिना रिजर्वेशन के। और बस अभी 20-25 मिनट में यहाँ से ट्रेन निकलेगी, कहाँ कहाँ से होते हुए जाएगी मैं बता देता हूँ एक बार। तो ट्रेन के चलने का समय है 10 बजे, 6 प्लेटफॉर्म से निजामुद्दीन से चलती है और मथुरा जंक्शन, भरतपुर जंक्शन, सवाई माधोपुर जंक्शन, कोटा जंक्शन, रतलाम जंक्शन, वडोदरा, भारूच, सूरत, वापी, धानू रोड, वसई रोड और फिर पनवल। तो टोटल इसका 1397 किलोमीटर्स होता है जो ये कल पहुँच। तो अभी सवाई माधोपुर पहुँचे, यहाँ का एक फेमस नेशनल पार्क है रणथंबोर नेशनल पार्क, तो वो एक दिन मेरा मन था घूमने का, आज भी नहीं घूम पाऊँगा शायद। अब ये 10 मिनट का हॉल्ट है इस ट्रेन का, तो शायद देखते हैं अगर भविष्य में कभी बना तो यहाँ पे ज़रूर आऊँगा। बहुत फेमस जगह है, अच्छी जगह है, बहुत अच्छे रिव्यू सुने हैं मैंने इस जगह के बारे में। तो अभी तो 3 बजे है, तो कल सुबह 8 तक मेरी ट्रेन ये पहुंचेगी वहाँ तक, देखते हैं। बस लेनी पड़ेगी, एक घंटा लगेगा शायद यहाँ से, देखते हैं।